अशोक एंड कंपनी मुंबई के चेयरमैन अशोक दत्तानी से commoditiescontrol.com ने लाल मिर्च के करंट क्रॉप सीजन और अगले क्रॉप सीजन में क्या स्थिति रहेगी इस पर बातचीत की। अशोक जी, यह बताइए कि करंट क्रॉप सीजन में लाल मिर्च का उत्पादन और डिमांड कैसी रही घरेलू और एक्सपोर्ट फ्रंट पर। 2012-13 सीजन के में लाल मिर्च की पैदावार देखे, प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन ऑल इंडिया लेवल पे देखे तो करीबन 2.75 करोड़ आसपास बोरी की हुई थी, जो एक बोरी 35 से 40 किलो की होती है। इसको आप सब एनालिसिस करते हैं तो जो आंध्र प्रदेश है, जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग सेंटर है दुनिया के अंदर में, उसके अंदर में करीबन 1.60-1.70 लाख बोरी तक की पैदावार सिर्फ आंध्र प्रदेश में हुई थी। उसके बाद में मध्य प्रदेश, जो बहुत ही कुछ सालों से पैदावार में हर साल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, उसकी पिछले साल पैदावार करीबन 45 लाख बोरी आसपास हुई थी। और कर्नाटक, जो हमेशा कलर वाली मिर्ची के लिए जाना जाता है, उसकी पैदावार पिछले साल नॉर्मल से कम होकर करीबन 40-45 लाख बोरी पिछले साल कर्नाटक की हुई थी। महाराष्ट्र में जो नॉर्मली 10-15 लाख बोरी की पैदावार होती है, वो पिछले साल 1/3 होकर सिर्फ 5 लाख बोरी आसपास ही हुई थी। और अन्यथा जो दूसरे छोटे छोटे क्रॉप है, जैसे तमिलनाडु में होता है, वेस्ट बंगाल की सुंदरी आती है, पंजाब में बारिश का क्रॉप आता है, यूपी में टांडा बरेली आते हैं, ये बहुत ही मामूली से क्रॉप आए थे और ये सब करीबन मिला के 8-10 लाख बोरी टोटल अलग अलग सामग्रियों को मिला के पैदावार हुई थी। तो इस तरह से देखो तो पूरे इंडिया का फसल 2012-13 के साल के अंदर में करीबन 2.75 करोड़ बोरी आसपास का हुआ था। प्राइस लेवल अगर हम देखते हैं तो सीज़न के अंदर में मध्य प्रदेश का जो स्टार्टिंग सबसे पहले होती है नई मिर्ची की, उसका भाव 40 रुपया से लेकर 45 रुपया तक सीज़न के अंदर में रहा था और काफ़ी टाइम तक वो भाव रुका हुआ था। वो एंड में जाके जो अब कोल्ड स्टोरेज के माल उसके जो निकले थे, तो वो डिमांड वो माल के काफ़ी रहने के हिसाब से 7,000 से लेकर 75 तक कोल्ड स्टोरेज के वो माल बिके रहे हैं। अच्छा अशोक जी, ये जो क्रॉप सीजन है, जो करंट क्रॉप सीजन है, उसमें लाल मिर्च के पूरे प्राइस मूवमेंट किस तरह रहे पूरे बाजार के? मैं आपको यही समझाता हूँ कि ये जो एमपी का शुरुआत हमने किया कि एमपी सबसे पहले नई मिर्ची आना शुरू होती है, वो सीज़न में 40-45 के भाव स्टैंड रह गए थे। वो सीज़न एंड हो गया, अब जब कोल्ड स्टोरेज का स्टॉक का माल निकलने जब निकाला, वो ऑफलोड हुआ, तो जब तक उसकी पोजीशन 7,000 से लेके 7,500 रुपये तक की हो गई थी। लाइकवाइज उसके बाद में कर्नाटक की मिर्ची सेकंड निकलती है, फसल निकलती है। कर्नाटक की पिछले साल फसल कमज़ोर रहने के हिसाब से काफ़ी भाव बहुत ही ऊंचे रहे थे नॉर्मल सेंस से, और वहाँ की जो ब्याड़गी मिर्ची आती है कर्नाटक की, उसके भाव स्टार्टिंग के अंदर में 100 रुपया से लेके 125 रुपया प्रति किलो के जो भाव निकले थे, वो भाव अभी कोर्स एंड सीजन में कोल्ड स्टोरेज के भाव बढ़कर अभी 140 रुपया से लगा के 150 रुपया तक के भाव हो गए हैं। उसके बाद में जो मेन आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी पैदावार होती है, आंध्र प्रदेश में अलग अलग वेराइटीज़ की मिर्ची अब होने लग गई है। पहले के जमाने में तो सिर्फ S4 ही हुआ करता था और तेजा मिर्ची हुआ करता था, अब वहाँ काफ़ी किस्म के सीड्स किसान डालने लग गए हैं। तो अब जो गुंटू 3-4 क्वालिटी कहते हैं, उसका भाव सीज़न के अंदर में 45-50 रुपया जो स्टार्टिंग में निकला था, वो भाव सीज़न में ही बढ़कर 60-65 रुपया हो गया था। वो फिर वापस ऑफ सीज़न में डिमांड डाउन होने के हिसाब से फिर वो 50 रुपया भाव आसपास आके मार्केट एक स्टेबिलाइज हो गया था। और आज की तारीख में कोल्ड स्टोरेज के माल वापस जो निकलने लग गए हैं, वो 55-60 के भाव थे, वो अब फिलहाल बढ़कर 60-65 तक हुए हैं। और जो सीड्स माल कहते हैं कि जिसकी भी पिछले साल काफ़ी पैदावार कम हुई थी, जो अब ज़्यादातर मसाले के लिए ही काम में आते हैं और बहुत ही मसाले वाले ही उसको उठा लेते हैं, उसका भाव पिछले साल सीज़न के अंदर में 7,000 से लेके 8,000 तक के थे, वो अब कोल्ड स्टोरेज के उसके जो माल अभी एंड में सीज़न के अंदर में उसके भाव बढ़कर 8,500 से लेकर 9,500 तक उसके भाव निकले हैं। वैसे हम देखते हैं तो सीज़न के अंदर में जो भाव रहते हैं वो माल का और आवक का जो प्रेशर रहता है, तो वो एक भाव उसका एक लेवल सीज़न में ही एक लेवल आ जाता है। जैसे नॉर्मल सेंस के अंदर में 40-50 रुपये तक का भाव जो है, वो अब मार्जिनल भाव, एक स्टैंडर्ड भाव हो गया है।
फिर वो एक्सपोर्ट की डिमांड, लोकल की डिमांड, लोकल मसाले वाले की डिमांड, शॉकेस की डिमांड, किसान खुद शॉक करता है, ये सब मिला के अगर हम देखते हैं तो कोल्ड स्टोरेज के अंदर में अब कोल्ड स्टोरेज की भी फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर एक प्रोड्यूसिंग सेंटर के अंदर में, छोटे छोटे गांव के अंदर में भी कम से कम 5-5, 10-10 कोल्ड स्टोरेज छोटे छोटे गांव में होंगे, और बड़े सेंटर जैसे हैं गुंटूर के ऐसे, तो वहाँ पर तो अनगिनत कोल्ड स्टोरेज 50 से 60 कोल्ड स्टोरेज हो गए हैं। तो कितने माल कोल्ड स्टोरेज के अंदर में आज बैंक लोन देती है माल के ऊपर, तो काफ़ी माल सीजन के अंदर में जो है वो चले जाता है कोल्ड स्टोरेज के अंदर में। तो अब ये जो निकलता है कोल्ड स्टोरेज में से भाव, तो उसका खर्चा और ये अन्यथा ये सब मिला के, तो एक्चुअली देखें तो ये जो भाव हमको बढ़े हुए लगते हैं, मतलब जब भी आप कॉस्ट कैलकुलेट करो, उसके रखने का ब्याज और भाड़ा दोनों कैलकुलेट करो, तो स्टॉकिस तो हालांकि मेरे हिसाब से मार ही पड़ा है इस साल, वो कुछ कमाया नहीं है। तो ऐसे तेज़ी मंदी देखें तो कुछ खास तेज़ी हाथ में आई नहीं स्टॉकिस को। ये एक सीन है 2012-13 का। अब मैं आपको 2013-14 नया सीज़न जो है उसकी मैं आपको पोजीशन समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो मध्य प्रदेश स्टार्ट होता है वो अब चालू हो चुका है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि इस साल अनसीजनल रेंज सितंबर में और अक्टूबर में अनसीजनल रेंज अभी तक भी पिछले हफ्ते तक भी रेंज हुए थे, तो उसके हिसाब से मध्य प्रदेश में जो क्रॉप ऑलमोस्ट रेडी हो गया था उसके ऊपर काफ़ी पानी गिर गया है और वो माल जो है इनिशियल जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ है। पिछले साल के मुकाबले इस साल मध्य प्रदेश की बुवाई जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स ज़्यादा हुई थी, मगर ये मान के चलते थे कि पिछले साल से कम 20-25% माल ज़्यादा आना चाहिए, मगर ये जो बारिश आई है उसके हिसाब से काफ़ी नुकसान हो गया है उसका, जो हार्वेस्टिंग में जो फसल कम उतरी ईल्ड जो हम कहते हैं वो ईल्ड में मेरे हिसाब से कम 20-25% का ईल्ड में फ़र्क पड़ गया है। और मध्य प्रदेश का भी ये जब बारिश आई उसके पहले हरी मिर्ची जो तैयार हुई थी वो हरी मिर्ची की काफ़ी डिमांड निकली थी, तो काफ़ी माल हरा ही उतर चुका है झाड़ के ऊपर से। तो मध्य प्रदेश की जो इस साल हम 25-30% ज़्यादा एक्सपेक्ट करते थे पिछले साल से, वो हमारे हिसाब से पिछले साल के मुकाबले शायद आके रुक जाए या उससे 5-10 पैसा कम ही आएगी, मगर ज़्यादा तो नहीं आएगी। ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक महाराष्ट्र में यहाँ जगह मिर्च की बुआई शुरू हो गई है लगभग, तो इन एरिया में या इन स्टेट्स में ये कहें कि किस तरह बुआई और उत्पादन की स्थिति रह सकती है। कर्नाटक के अंदर में हम आते हैं नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के बाद में जो कर्नाटक निकलता है, कर्नाटक का इस साल बुआई पिछले साल से काफ़ी अच्छी हुई थी। कर्नाटक की जो लोकल मिर्ची है जिसको अनिगिरी साइड की हम मिर्ची कहते हैं, तो वो अनिगिरी साइड की मिर्ची की धीरे 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 फसल कम होती जा रही है, मगर उसके बदले जो रायचूर बल्लारी एरिया है जो आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है, तो वो एरिया के अंदर में फसल काफ़ी बुआई ज़्यादा हुई है और वहाँ एरिया जो है बढ़ गया है और वहाँ पे मेरे ख्याल हिसाब से यील्ड भी ज़्यादा आएगा। तो पिछले साल से मैं समझता हूँ पिछले साल जो 40-45 लाख बोरी कर्नाटक की आई थी उसके सामने इस साल कम से कम मैं समझता हूँ 55-60 लाख बोरी तक भी कर्नाटक की ईल आ सकती है। अब माल कर्नाटक का आना शुरू नहीं हुआ है, वहाँ भी बारिश के हिसाब से थोड़ा सीज़न लेट हो गया है, मगर मैं समझता हूँ अगले 20-25 दिन के अंदर में थोड़ा थोड़ा वो भी सीज़न स्टार्ट हो जाएगा कर्नाटक का। अब भाव क्या निकलता है देखना है, क्योंकि तो कर्नाटक की मिर्ची ज़्यादातर ओलियो रीजन्स वाले ही ज़्यादातर अभी कंज्यूम करने लग गए हैं, और जो पाउडर बनाने वाले हैं वो भी उसको कलर एक्स्ट्रा क्वालिटी का लाल कलर ज़्यादा बैठे है उसके हिसाब से वो ब्लेंडिंग के लिए कर्नाटक की मिर्ची यूज़ करते हैं। आंध्र प्रदेश जो सबसे बड़ा लाल मिर्च का उत्पादक स्टेट है, तो वहाँ किस तरह की बुआई और प्रोडक्शन आने की उम्मीद मान रहे हैं आप? आंध्र प्रदेश की भी बुआई पिछले साल से आप 10-15% ज़्यादा ही 10-15% ज़्यादा ही समझ सकते हैं कि बुआई ज़्यादा ही हुई है, और वहाँ की भी जो यील्ड है मेरे हिसाब से वहाँ कुछ डैमेज के कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि उसका क्रॉप थोड़ा देरी से आता है और बीच में जो बारिश हो गया था और पानी इकट्ठा हो गया था आंध्र में भी ये जो साइक्लोन फिलिन आया था, तो उसके हिसाब से जो है वो मिर्ची के एरिया में ज़्यादा इतना नहीं डैमेज हुआ है, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि वहाँ पर अगर कॉटन में ज़्यादा जो डैमेज हुआ है, कॉटन काफ़ी डैमेज हुआ है वहाँ पर, तो किसान वो कॉटन का झाड़ उखाड़ के फेंक देंगे और उसकी जगह पे शायद मिर्ची ही लगेगी। तो मैं समझता हूँ पिछले साल से शायद
10-15% आंध्र प्रदेश की यील्ड ज़्यादा ही आ सकती है, क्रॉप ज़्यादा ही आ सकता है। और महाराष्ट्र की क्या स्थिति रहेगी? महाराष्ट्र में भी पिछले साल से ज़्यादा ही है, पिछले साल तो बहुत ही मिनिमल 5 लाख बोरी आसपास की क्रॉप आई थी, इस साल मैं समझता हूँ 10-15 लाख बोरी महाराष्ट्र में भी आ जानी चाहिए। तो ओवरऑल आप पिक्चर देखेंगे तो 2013-14 के लिए मैं समझता हूँ पिछले साल से कम 10-20-25 लाख बोरी तक ज़्यादा ही, 2.5-3 करोड़ बोरी तक का क्रॉप मिर्च का उतरना चाहिए। ये करंट क्रॉप सीजन की अगर हम एक्सपोर्ट फ्रंट पर बात करें तो हमारे देश से मिर्च के एक्सपोर्ट की क्या पोजीशन रही? इस साल 12-13 के सीजन में एक्सपोर्ट जो है वो ठीक मात्रा में, मगर उसके अगले साल दैट इज 11-12 के कंपेरिजन के अंदर में अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट जो है वो मैं समझता हूँ करीबन 35% कम हुआ है इस साल में। जो थोड़ा बहुत तेजा एंड में अभी निकला है वो तेजा में डिमांड निकला है, स्पेशली चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, यहाँ का चाइना तेजा वेराइटी जो आती है मैंने आपको बताया उसका डिमांड एक्सपोर्ट में काफ़ी निकला है। तो ओवरऑल देखें तो पिछले अगले साल से ये सीज़न के अंदर में एक्सपोर्ट कम ही हुआ है। अब अगले साल देखना है, इतनी बड़ी फसल है तो मैं समझता हूँ और जो हिसाब से रुपये की वैल्यू डाउन हुई है तो शायद एक्सपोर्ट की डिमांड ज़्यादा भी निकले, तो जिस हिसाब से फसल ज़्यादा आने की उम्मीद है हमको और सामने एक्सपोर्ट भी जो डिमांड है वो शायद ज़्यादा रहने की उम्मीद हम रखते हैं बिकॉज ऑफ डॉलर एंड बिकॉज ऑफ ये नॉर्मल सेंस के अंदर में जो है, तो प्राइस की जो हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं तो इस साल जैसे प्राइस के अगर एक्सपेंस निकाल देते हैं स्टॉक को, ब्याज का और भाड़े का अगर हम एक्सपेंस निकाल देते हैं तो प्राइस जो है वो मेरे ख्याल से मोर ऑर लेस स्टेडी ही रहे थे। तो इस साल भी मैं समझता हूँ अगर कोई ऐसे एक्सेसिव डिमांड एक्सपोर्ट की नहीं आ जाती है, नॉर्मल डिमांड ही रहती है और हम वी आर द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ लोकल, कंजम्पशन भी हमारा सबसे ज़्यादा मिर्ची का हमारा ही है देश का, तो मैं समझता हूँ इस साल भी प्राइस रेंज जो है वो यही इस साल जैसे ही स्टेडी ही रहनी चाहिए, ज़्यादा कुछ तेजी मंदी अब फिलहाल एज ऑफ नाउ दिख नहीं रही है, अनलेस बहुत ही बड़ा कोई एक्सपोर्ट का डिमांड आ जाता है तो अलग बात है, वरना मेरे हिसाब से इस साल भी द प्राइस रेंज शुड रिमेन द सेम 45 लेवल से लेके सीजन के अंदर में 45 से लेके 55 तक का रेंज रहना चाहिए, दैट इज़ आफ्टर 1 मंथ। अभी एक महीना तक तो ये अभी जो फिलहाल भाव है वो भाव कम होने की आशा अभी फिलहाल एक महीना तो नहीं लग रहे हैं, एक महीने के बाद भाव थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू होगा और मैं समझता हूँ फेब्रुवरी मार्च में जब एकदम पीक प्रेशर होगा हर तरह का, जब जाके ये गुंटूर वेराइटी का और ये जो है वो 45 से 55 की रेंज में भाव रहना चाहिए और उसके बाद फिर एक्सपोर्ट के ऊपर और लोकल कंजम्पशन के ऊपर डिमांड रहना चाहिए। और दूसरा नेचुरल जो है वो भी एक बड़ा फैक्टर है नेचर का, कि अगर कोई आगे जाके और कोई साइक्लोन आ जाता है आंध्र प्रदेश के अंदर में और अगर वो कोई क्रॉप को ज़्यादा डैमेज कर देता है देन अगेन द सप्लाई साइड गेट्स इफेक्टिव। तो वी आर कंसिडरिंग कि भाई एवरीथिंग एल्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, द प्राइस शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। अशोक जी, आपने कमोडिटीज़ कंट्रोल से बात की, इसके लिए धन्यवाद।